तो हे गाइस वेलकम बैक हो चुका है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज इस वाली वीडियो में हम खेलने वाले हैं एकदम ब्रांड न्यू गेम और उस गेम का नाम है द सुपरमार्केट सिमुलेटर। तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू गेम के साथ। तो भाई यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक खुद की सुपरमार्केट, खुद की एक शॉप एस्टैब्लिश करने वाले हैं एक सिटी के अंदर, जहां पे हम छोटी सी शॉप को बनाएंगे एक बहुत ही बड़ा सुपरमार्केट। तो भाई तैयार हो जाओ जर्नी में मेरे साथ। पता नहीं मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात क्यों कर रहा हूं, आई एम सॉरी। यहाँ पे हम लगा चुके हैं गेम के अंदर और यहाँ पे सामने की तरफ हमारी शॉप है जिसका नाम है सुपरमार्केट और वो क्लोज है और खाली पड़ी है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास स्टार्टिंग में $50 मुझे दे रखे हैं। आई थिंक मुझे अपना कैमरा उधर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे डॉलर्स और लेवल दिख रहा है। तो मुझे बस एक मिनट दो, मैं करके आता हूँ। ओके गाइस नाउ इट्स गुड। तो मैं दिख रहा होगा साइड में मुझे $50 मेरे पास इन्वेंट्री में, आई मीन मेरी पॉकेट में पड़े हुए हैं एंड साथ साथ यहाँ पे लेवल भी दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी शॉप के पास और शॉप में जाने से पहले मैं थोड़ा सिटी का टूर लेने वाला हूँ कि भाई किस सिटी में एक्चुअली मैंने शॉप खोली है, वो सिटी अच्छी है, यहाँ पे लोग आते हैं नहीं आते हैं, मुझे सबका भी ध्यान देना पड़ेगा वरना भाई मेरा पूरा का पूरा पैसा बर्बाद है शॉप को यहाँ पे लगाने का। अब तुम बोल रहे होगे भाई ये स्टोर यहाँ पे खरीदने से पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता गेम ने मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पटक दिया है, इसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम्हें सिटी में शॉप चाहिए या नहीं चाहिए। लेट मी ट्राई कि भाई यहाँ पे लोग आते भी हैं। भाई साहब हेलो, भाई सॉरी यार मैं तो बस पूछ रहा था भाई आप शॉप में आओगे क्या मेरी। भाई मैं हेलो, मैंने सुपरमार्केट खोला है, किराने की दुकान है भाई, खाना पीना आलू का पराठा कुछ भी मिले, आलू का पराठा क्यों मिलेगा, रेस्टोरेंट थोड़ी है भाई। ओके भाई तुम्हें आना है क्या, एक सेकंड देखो गाड़ी के शीशे काले हैं, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे अंदर। ओ भाई साहब देखो भाई कोई तो लग्जरी कार में आया भाई। सर 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 शॉप मेरी सर। अरे रुक जा भाई, ऐसे शॉप मैंने खोली है उसमें सामान तो है नहीं, इनको अगर मैं बुला भी लेता हूँ तो ये खरीदेंगे क्या। ओके यहाँ पे बहुत सारे जेंटलमैन घूम रहे हैं। हेलो सर एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी शॉप में आना चाहेंगे, मैंने एकदम मस्त शॉप खरीदी है, आई मीन अभी भी खोली है। और खड़ूस अंकल तुम्हारी संकल इतनी गंदी सी क्यों है भाई, तुम इतने खड़ूस क्यों भाई, रुक जाओ ना। हेलो सर, हेलो सर, हेलो जेंटलमैन, हेलो मिस्टर ब्यूटीफुल पर्सन, क्या आप मेरी शॉप Nope. Okay. आप में नहीं आ रहे भाई। ओके ओके आंटी जी से बोलेंगे भाई, आंटी जी अच्छे दिल की लग रही है मुझे। एक्सक्यूज मी आंटी जी, मैंने यहाँ पे अपनी शॉप ओके सामान लाऊंगा ना शॉप में, ऐसा सामान लाऊंगा खुद ब खुद चल के आएंगे तुम लोग, भाई इनकी शक्ल याद रख लो, अभी ऐसा सामान डालूंगा ना अपनी शॉप में एकदम हाई क्वालिटी का, ये लोग खुद ब खुद चल के आएंगे तुम लोग देखना भाई। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शॉप के अंदर और यहाँ पे हमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिखाई दे रहा है, आई थिंक हमारा मिशन होने वाला है। यहाँ पे हम लोग आए अंदर एंटर करते हैं और सामने की तरफ हमारा काउंटर है। अबे ये तो शुरू से पहले खत्म हो गई, इसका नाम क्या था, सुपरमार्केट। भाई ये सुपरमार्केट नहीं है भाई, ये माइक्रो मार्केट है, कहाँ जाऊँ आगे मैं। अरे भाई साहब सुपरमार्केट दो प्लान का है बस। छी ओके यहाँ पे काउंटर है हमारे, यहाँ पे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, दबा के पैसे छापेंगे भाई। ओके मीटर भी दे रखा है अपने को, फिलहाल अपनी अर्निंग जीरो ही है क्योंकि अभी अभी अपने स्टार्ट करी है। एंड सामने की तरफ यहाँ पे हमारा मॉनिटर है जहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं अपना सामान इस कंप्यूटर के थ्रू। लेट मी इंटरेक्ट विद इट, हम लोग जाएंगे मार्केट से। ओके अपनी सुपर मार्केट के लिए हम ऑनलाइन मार्केट से सामान मंगाएंगे, नॉट बैड, होलसेल में आता होगा क्या पता। बहुत सारा सामान है यहाँ पे, फ्लोर है, पास्ता है, ऑयल है, शुगर वगैरह सब कुछ है। तो फटाफट से करते हैं इसको परचेज, यहाँ पे हम लोग अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे 2 आइटम चाहिए, 3 आइटम चाहिए और ये तो बहुत महंगे है भाई, 107 रुपए से ऊपर हो गया है। तो भाई ये नहीं मंगा सकता मैं, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, पता है डॉलर रुपए समझ लो यार, डॉलर क्या ही बोलूं मैं, यहाँ पे 35 रुपए का ही मिल रहा है, आदत से मजबूर हो भाई, रुपए रुपए डॉलर बोलने की आदत नहीं है, सॉरी भाई। दुकान पे भी जाते हैं भैया है, बोलते हैं 15 रुपए वाली टॉफी दे दो यार, तो 35 रुपए का ही आ रहा है। ऑयल अपने कितने का आएगा, ऑयल 36 रुपए का भाई, ये तो एक्सीड कर रही है लिमिट। और आई थिंक मुझे लग रहा है अगर मैं एक बार मंगाऊंगा तो शायद ये 12 आएंगे शायद, आई थिंक ये हमारे बजट में है। तो फटाफट से करते हैं एड टू कार्ट, टोटल परचेज हमारा $49, ओके डॉलर फाइन भाई, लेट्स गो, $49 का हो गया भाई, तो हमें इसको परचेज करना पड़ेगा। और टैक्स वैक्स लग रहा है क्या भाई, नहीं टैक्स तो नहीं लग रहा, शिपिंग चार्ज 2 रुपए लगा है इसमें, 47 का था वो। ओके परचेज मैंने कर लिया, पैसे एकदम 0.25 लिटरली पैसे खत्म हो गए भाई मेरे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऊपर लेवल भी बढ़ा है, तुम लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल जरा सा बढ़ा है पर अच्छी बात है। ओ That was quick. Yeah. It seems little swifty. It's literally seems swifty भाई, बहुत जल्दी आ गए हैं तो। Okay, यहाँ पे पूरे के पूरे 12 packs आए हैं, तो यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, इनको फटाफट से लगा लेते हैं इसमें। Let's go. हमने सारी सारी यहाँ पे ब्रेड लगा दिए हैं। Okay, सारे फिट होगा एक बार में, नाइस 12 12 का सेट बनता है। और यहाँ पे हम लोग डब्बे क्या करें, फेंको इसे डब्बे को, हार्ड टू थ्रो, फेंको। अब भाई तुम लोग बोल रहे हो भाई नहीं बाहर गंदगी नहीं करूंगा, गंदगी करना गंदी बात है यार, तो चुपचाप साइड में रखेंगे, जब सुबह सुबह कूड़े वाला आएगा उसको देंगे हम। कांट थ्रो हियर, अबे भारी फेंकना पड़ेगा क्या भाई, कांट थ्रो हियर है, खुद उठा लेगा वो मुझे क्या। अगला पैकेट आ चुका है हमारा जिसमें हमारे बहुत सारे केलॉग्स टाइप की चीजें हैं। तो हाँ ये दूध में डालने वाले कुछ चॉको चिप्स हैं, तो इनको भी हम लोग फटाफट से डाल लेते हैं इसके अंदर। और 12 हो चुका है कार्टून को हम लोग, नाइस। सॉरी गाइस तुमने कुछ नहीं देखा, आई एम सॉरी,
मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं थ्रो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ये डोर लॉक है। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है उसके अंदर? आई थिंक ये मेरी पड़ोसी की दुकान है, उसने बंद कर रखा है, मैं झांकना है उसके अंदर, देखना है भाई वो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके साइड में मुझे दिखाई दे रहा है थ्रो द एम्प्टी बॉक्सेस इनटू द ट्रैश कैन आउटसाइड। वो एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मैं फेंक देता, देखो यहाँ फेंक दे, अच्छा बच्चा हूँ देखो मैं, तुम लोग बोल रहे हो भाई क्या गंदगी कर रहा है, नहीं भाई ऑलवेज मेक योर प्लेस क्लीन ब्रदर। यस सर। सर अब दुकान में सामान आ गया, जल्दी आओ दुकान में, देखो ब्रेड लाए गर्मा गर्म, ब्रेड गर्मा गर्म नहीं होते, ब्रेड लाए ठंडे ठंडे भाई, और चॉको चिप्स भाई, चॉको चिप्स अंकल, आप चॉको चिप्स अंकल की शक्ल देखिए लग नहीं रहा है चॉकलेट खाता होगा, ये तो करेला खाता होगा इसी शक्ल देखिए लग रहा है। कोई नहीं आया यहाँ पे, या मुझे वेट करना पड़ेगा, लिटरली कोई भी नहीं आने वाला पूरी शॉप के अंदर, क्योंकि मुझे खोले बहुत टाइम हो चुका है और मेरी बॉनी भी नहीं हुई है भाई। ओके तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने खरीदे तो कुछ प्राइस के अंदर है, और यहाँ पे मुझे थोड़े से प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा भाई, कि मुझे याद भी नहीं मैंने कितने खरीदे, तो पहले मैं देख लेता हूँ कहीं मैं ज्यादा ना बढ़ा दूँ तो लोग आए ना लेने कभी। तो यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पे मिला है ये जो चॉको चिप्स है वो मुझे पड़े थे $35 के 12। ओके और साथ साथ यहाँ पे मुझे मेरे जो ब्रेड स्लाइस थे वो मुझे पड़े थे ₹11 के 12 स्लाइसेस, मतलब ₹1 से भी कम है, रुपये नहीं डॉलर, हाँ डॉलर के हिसाब से सही है। तो यहाँ पे अगर ये ₹35 का है और ये है ₹11 का, तो वाई नॉट, तो फिलहाल ये बता रहा है मार्केट प्राइस है $3 ईच, अगर मार्केट प्राइस है तो ठीक है, पर अगर $3 उन सबका प्राइस है तो मैं तो घाटे में गया हूँ। ओके मार्केट प्राइस ये 3 है, तो अगर मैं अपने मार्केट प्राइस से थोड़ा सा भी कम रखता हूँ ना तो शायद कस्टमर की भीड़ ज़्यादा आ सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको 3.96 की जगह में से अभी हमारी दुकान नहीं खुली है ना, तो हमें थोड़ा डिस्काउंट भी देने पड़ेंगे, तो हम एक काम करते हैं हम सिर्फ 3 का रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 ईच हो गया है, आई गेस ये ईच ही होगा, अगर ये $3 पूरे सेट का हुआ तो मैं इस दुकान वाले को मारूंगा जिसने भी मुझे बताया है इस गेम के डेवलपर, सॉरी भाई। तो यहाँ पर अगर इसका प्राइस देखा जाए तो ये $5 है, $5.98 ईच है, मतलब मार्केट प्राइस पर, तो हम लोग इसे सिर्फ रखेंगे $5 ताकि लोग हमारी शॉप पर ज़्यादा आएँ और ना थोड़ा डिस्काउंट अट्रैक्ट करे भाई, क्योंकि हमारी शॉप जस्ट अभी भी खुली है और अभी इतनी जल्दी हम लोग ना एकदम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं अपनी शॉप पे। एक तो नई है, ऊपर से भाई यहाँ के लोग भी बहुत खड़ूस लग रहा है मुझे भाई, कोई इंटरेस्टेड नहीं है मेरी शॉप में आने में। शॉप में लोग आएंगे कैसे, मैंने क्लोज ही कर रखी है, अब हुई है ओपन, अब आएंगे लोग भाई अंकल, और देखो ओपन करते ही अंकल जी आ गए, और जनाब क्या ले रहे हैं आप, ब्रेड रख लिया आपने, अरे चॉको चिप्स भी रख ली, दो रख ली, अरे भाई साहब पानी करा दी सभी से, तुमने तो मजे आ गए, रुको जरा कैन करा जाए सबको। हाँ भाई आओ, ब्रेड हो गए साहब सही बढ़िया, एक ब्रेड हो गया, दो चॉको चिप, हाँ जनाब बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया पैसे लाए। हाँ भाई कितने दिए इसने, इस बंदे का टोटल पड़ा है 13 और इसने हमें दिए 14, तो सिंपल मैथ्स है भाई, एक डॉलर चेंज देना है अपने को। हाँ भाई डन सीन, ओके हम लोगों ने कमाए हैं $13 जी। ओके सर आपको क्या चाहिए, आप बस एक ही ब्रेड ले रहे हैं, प्लीज़ सर कुछ अच्छा लीजिए यार, अपनी मिसेस के लिए भी लेके जाइए, कार्ड में पेमेंट कर रहे हैं, देखो भाई कार्ड में पेमेंट हो रहा है भाई, लगाओ लगाओ कार्ड में पेमेंट लगाओ। कितना बना भाई टोटल इसका, इसका टोटल बना है, अगर इसने एक ब्रेड लिया है और एक वो लिया है, 5 और 3 टोटल $8 इसके बन रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे $8 के काटने पड़ेंगे, और लेट्स गो, नाइस $21 हो चुके हैं जी जीज। थैंक यू सर। भाई तू एक ब्रेड का कार्ड से पेमेंट क्यों कर रहा है भाई, कैसे ले आया करना यार, भाई शर्म नहीं है इनको भाई, कोट वोट पहन के आ रहा है भाई, ऑब्वियसली अगर कोट पहन के आ रहा है तो कोई अमीर बंदा होगा, पर सिर्फ एक ब्रेड को लेके जा रहा है, कुछ 2-3 लेके जा कम से कम, नहीं भी तो भाई क्या भी मतलब मैं बात करता है यार, हाँ नहीं तो ₹3 के लिए भाई कार्ड से पेमेंट कर रहा है, बताओ हद है भाई। हाँ जी मैडम आइए मैडम, हाँ भाई आपको ब्रेड हो गया, 2 आपके चॉको चिप्स हो गए मैडम, आपका टोटल, तुम भी कार्ड वाले हो भाई कैश दो भाई, कैश नहीं है मुझ पर, सुबह सुबह का टाइम है कैश कहाँ से आएगा यार, लाओ कोई बात नहीं, हाथ लाओ उधर दो $13 मैडम की काटते हैं फटाफट से, लेट्स गो मैडम निकली यहाँ से फटाफट से, फिर आइएगा अतिथि दे दो देव ग्राहक देव। ओके सर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश देंगे, क्योंकि आपका सामान बहुत ही कम है। ए थैंक यू कार्ड देने के लिए, मतलब अच्छा ठीक है, कार्ड से ना छुट्टे का झंझट नहीं रहता, छुट्टे वट्टे दो इनको, 3-3 रुपए के लिए भाई 20-20 का नोट पकड़ा देते हैं, ₹17 को खुले दो, कहाँ से लाऊं उतने खुले में, अरे अंकल आप ब्रेड ही लेने आए थे ना यहाँ पे, कोई गलत काम करने तो नहीं आए थे भाई, इनकी शक्ल थोड़ी सी सस्पिशियस क्यों लग रही है, मुझे लग रही है भाई तुम्हें पता नहीं, उसके पीछे वाला तो और सस्पिशियस लग रहा है। हाँ जी सर आपका एक ब्रेड हो गया 3 रुपए का, और आपकी चॉको चिप्स हो गई साहब 5 रुपए की, आपके बन गए कितने 8 हो गए भाई साहब, चलो भाई साहब थैंक यू $56 हो चुके हैं भाई, एक लॉस में चल रहा हूँ क्या मैं, इतने तो मेरे पास गेम शुरू होने से पहले ही थे, अभी भी 56 ही हैं, एक ही बस एक ही, कैश लाया सर, ओके ओके सर ने दी है 5 और ये है 5 का ही तो है ये, हाँ तो निकलना चल चल यहाँ से चल, अरे बुरा मान गए सर वापस आइए, अरे सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सर,
सॉरी सर, बुरा मान गए आप, क्या बात, सॉरी ऐसी बात नहीं थी यार, आप लाइए, आप कैश लाइए, हम दे देंगे आपको, कोई दिक्कत, निकलो ना यहाँ से फिर, अब क्या छुट्टी क्या मांगोगे, पाँच ही तो दिए तुमने पूरे पूरे। हाँ जी सर, एक ही, ओके आई थिंक ये लोग एक इसलिए खरीदे क्योंकि मेरे पास सामान ही खत्म हो चुका है, तो मुझे फटाफट से ना रिस्टॉक करना पड़ेगा इसको। सर ने खरीदा है पाँच रुपये का चॉको चिप्स और यहाँ पे सर ने दिए $10, तो सर को वापस करते हैं एक, निकलो, यस मैडम कैश लाइए, दस दस, ओके निकलिए, निकलिए नहीं बोलना भाई, ये बुरा मान जाएंगे भाई, सॉरी यार। ओके सर, आपका एक चॉको चिप्स हो गया $5 का और $3 का आपका ये हो गया है, तो आपके हुए टोटल $8, और थैंक यू वेरी मच। यस मैडम, दो ब्रेड आप रख के बैठी थी, वाह वाह वाह, सही टाइम पे आपने ना एकदम बाजी मार ली, देखो सर खाली आज जा रहे हैं बेचारे, टाइमिंग मैडम की टाइमिंग बहुत सही है यार। अरे भाई साहब, मैडम ने दिए हैं 100 और 6 का तो सामान ही खरीदा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कार्ड से पेमेंट कर दिए होते अब यहाँ पे माथा पच्ची तो नहीं करनी होती मेरे को, 50 के लिए एक भाई 94 देनी है से, अब पढ़ू है एक भाई, चार की कहाँ से लाऊं यार मैं, ये ले भाई यार, थैंक यू, और बड़ा नोट नहीं मिला। ओके सर, आपके दो ब्रेड हो गए, लाइए कैश। ओके सर, ये बंदा अच्छा है, 6 पैसे दिए भाई ने, 6 के 6, थैंक यू वेरी मच। भाई क्या ढूंढ भाई, साहिब भाई ढूंढ रहे हैं भाई, कुछ नहीं है, शॉप में मुझे मंगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, फटाफट से थोड़ा सा बस सामान ऑर्डर कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 96 हो चुके हैं, तो मैंने स्पेंड किए थे कम से कम $50 एंड यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं 96, बस ऑलमोस्ट दोगुना प्रॉफिट करने से हम थोड़ा थोड़ा रह गए, अगर ये 100 हो जाते ना तो भाई पूरा प्रॉफिट ना भाई 100% होता। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ ना एक एक डाल देते हैं और देखते हैं अपना बजट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, तो टोटल 93 का हो रहा है, तो आई थिंक आई कैन बाई इट क्योंकि मेरा बजट में आ रहा है, फटाफट से परचेज करते हैं। और ये टोटल 97 का हो चुका है भाई, इन्होंने शिपिंग चार्ज बढ़ा दिया है पूरे के पूरे $4 शिपिंग चार्ज, भाई ऐसा कहाँ से ला रहे हो तुम, कब परदेश से लेके आ रहे हो भाई, कुछ काटना पड़ेगा यार, क्या काटूं मैं। फिलहाल हम लोगों ने बहुत सारे ब्रेड बेच दिए हैं और ये दिन का टाइम भी खत्म हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, तो शायद शाम को तो ब्रेड कोई क्यों ही खाएगा, तो हम एक काम करते हैं फटाफट से ब्रेड को करते हैं कैंसिल एंड यहाँ पे हम बाकी परचेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैसा कट चुका है एंड आई थिंक हमारा सामान भी आ चुका होगा, और भाई यहाँ पे तो बात करते करते रात भी हो चुकी है एंड हमें ना 25 परचेस करनी है, 25 हमें सेल करनी है आइटम्स की, और यहाँ पे हमारी सिर्फ और सिर्फ 13 हुई है, अभी सिर्फ 13 लोग आए हैं, तो एक काम करता हूँ फटाफट से, ओए ओए सामान गिर गया मेरा, ओए ओए ओए, बात करते करते सामान गिर चुका है मेरा, यहाँ पे इतने अंधेरे की हुई शॉप में। ओके मुझे लगता है आज तो इतनी हुई है हमारी जो बोलते हैं उसे क्या बिक्री इतनी हुई है, और भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, बटन कहाँ है यहाँ पे टॉर्च वॉर्च का, अरे नहीं नहीं सेट करने दो, मैं नहीं सेल कर रहा, रुको जरा, यहाँ पे मैंने अभी प्राइस सेट नहीं किया भाई, ये लोग ना उठा उठा के ले जा रहे हैं भाई, रुको जरा प्राइस सेट करने दो भाई, $1 का बताओ मार्केट प्राइस, $4 ही एक लेके जा रहा है भाई, चलना झूठ बोलता है बंदा बच्चा भाई, छी भाई क्योंकि मार्केट $5, हाँ भाई अब ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे मुझे तुरंत तुरंत ना भाई वो करने पड़ेंगे प्राइस सेट, वरना तो भाई ये तो लूट मार जाएंगे एकदम ही, बस स्विच ढूंढना पड़ेगा, स्विच कहाँ है, ओके लेट्स गो, लाइट आ गई गाइस, मेरा स्विच खो गया था, और भाई देखो शॉप में कितनी ज्यादा गंदगी हो रखी है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रेस एंटर टू फिनिश द डे, काफी ज्यादा रात हो गई है, तो काम करते हैं फटाफट से इन्हीं कस्टमर को ना फटाफट से विदा करते हैं, तो यहाँ पे अब टाइम हो चुका है इनको चेकआउट करने का, यहाँ पे रात के 9 बज चुके हैं, लेट्स गो, हमारा डे 1 कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, और यहाँ पे हमने आज के कमाए हैं $10, पहला दिन था यार, पहले दिन में $10 काफी सही रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो मैं दिख रहा हूँ टोटल प्रॉफिट माइनस में क्यों है, क्योंकि मैंने सामान अभी जस्ट मंगा रखा है, तो मुझे उसको सेट करना है, तो हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बन चुका है क्योंकि हमने रात भर यहाँ पे बिजली खुली ही छोड़ दी थी, और अभी भी खुली हुई है। वेट अ सेकंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे बहुत सारे मंगाए थे, यहाँ पे एक ही मंगाया था, 12 मंगाए थे आई गेस, एक तो रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं भाई, मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे 12 मंगाए थे और उन्होंने भाई लूट मार ली मेरी शॉप की, सब उठा उठा के ले गए भाई। भाई यहाँ पे प्राइस सेट करना बहुत जरूरी है, वरना भाई तो अपनी मन मर्जी से लेके जाते हैं वे। अब यहाँ पे जो गंदगी करी है उसे उठाने का टाइम आ चुका है, सुबह सुबह की सफाई करना बहुत जरूरी है, एज ऑफ हमारे 8 बज गए, हमारी शॉप खोलने का टाइम हो चुका है, हम लोग फटाफट से सफाई करके अपनी शॉप खोलने वाले हैं, एज यूजुअल जो हमेशा होता है शॉपकीपर अपनी शॉप की सफाई करते हैं, अच्छे से उसे क्लीन करते हैं एंड हमारा नया डे स्टार्ट करते हैं, एंड इट्स टाइम फॉर सम सेल, लेट्स गो, बिक्री का टाइम, बोनी करा दो भैया, भैया बोनी करा दो भैया, महंगा कर दिया मैंने सामान इसलिए कोई नहीं आ रहा क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई कल की मेरी वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं मतलब मेरी खातिरदारी से वो खुश नहीं है क्योंकि शायद मैंने कुछ महंगा सामान बेच रखा है, पर एक्चुअली मैं मार्केट प्राइस से तो कम ही बेच रहा हूँ यार, कम ऑन, हाँ ना भाई बंदे आने चाहिए ना, लेट्स गो। ब्यूटीफुल मोहतरमा, आप क्या सामान लेके जाने वाली हैं, प्लीज थोड़ा ज्यादा सामान लीजिएगा, क्या बात है, थोड़ा और लीजिए मैडम, आइए आइए, यहाँ पे हमारा काउंटर ओपन हो चुका है, और यस मैम, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 10 दिए हैं और 10 ही का सामान है, तो आप
विदा हुई है आपसे, फिर मिलेंगे, मुलाकात होती रहेगी। हाँ जी आपका क्या है? पास्ता है। एक ही सामान सर, बस एक ही सामान, कार्ड से पेमेंट। आई लव दिस काइंड ऑफ पीपल भाई, 3 रुपए का भी सामान कार्ड से करते हैं। कितना हुआ मैंने आपका? $9 हुआ। लेट्स गो, खुलने का झंझट ही नहीं है भाई। बहुत बढ़िया, कार्ड दीजिए सर, कार्ड दीजिए, कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट किया, $15। लेट्स गो, थैंक यू। ज्यादा कर मैं काट दूं उनके से तो थोड़ा लालच करूं, पर भाई अभी भी शॉप खुली है, हमारा थोड़ा लॉस हो सकता है, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर मैं थोड़े घपले करता हूं तो, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। इस मैम आप यहां पे क्या कर रही हैं? इतनी देर से वेट कर रही हैं, मैं आपको देख रहा हूं, क्या आप शॉप नहीं बाई कर रही हैं? आपको सामान बाई नहीं कर रही हैं? एक्चुअली आप यहां की भीड़ बढ़ाने आई हैं क्या? एक्चुअली मैम अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप आई क्यों हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप मुझसे बोल सकती हैं, मैं आपको फ्री में सामान नहीं दूंगा। निकलो शॉप से बाहर जाओ। सॉरी भाई, क्या हो गया इसको? ये लैग हो गई, अटक गई, क्या हो गया मैम? हेलो, क्या आ गई मैडम? थोड़ा सुनाना पड़ा, पर मैडम आ गई हैं। मैडम ने लिए हैं सुसु। भाई सुसु भाई, क्या नाम है इसका ये? ओके मैम ने दी है $20 और यहाँ पे हमें चेंज देना है $8 का। लेट्स गो, थैंक यू, फिर मिलेंगे। सर एक बार आपने पास्ता दिया है और आपका बस कार्ड से पेमेंट है, फटाफट से 3 का करते हैं। लेट्स गो, यस मैम, आइए आइए आइए। भाई शॉप पे तो बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत जोर जोर से आ रहे हैं भाई, मजाक से हट के। 5 दिए, $1 आप लीजिए और निकलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर लेटर। अबे ये आंटी जी फिर आ गई यहाँ, क्या हो गया मैम? क्या हो गया, क्या हो गया? आप बार बार क्यों आ जाती है? आपने सामान लिया, शॉपिंग करी, अब जाइए। वो 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 आइए आइए। हाँ जी ले लो सामान, सामान ढेर सारा सामान ले लो, ढेर सारा सामान। आइए सर, भाई ढेर सारा बोला था, ये ढेर भर क्यों लिया है तूने? अब भाई इसके लिए इसको $20 दिए हैं, इसने $4 का सामान खरीदने के लिए $20। लाइक ब्रो सीरियसली ब्रदर, लाइक रियली रियली मिस्टर बॉडीगार्ड टाइप बंदे, मैं सामान लेना है तो आओ उधर, वहाँ पे मैं देने नहीं आऊँगा, पहले बता रहा हूँ। ये लोग अपने आप आ रहे हैं चुपचाप, तुम लोग का स्पेशल हो भाई, यहाँ पे आओ चुपचाप, दो मेरे को सामान, मैं खरीदता हूँ तुम्हारे लिए, मैं बाई करता हूँ। यस मैम, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। अबे आ जाओ, पता नहीं भाई ये लोग क्यों खड़े हैं। द कस्टमर वेटिंग फॉर वॉट भाई, चेक करना पड़ेगा भाई लोग क्यों वेट कर रहे हैं, इनसे मुझे बात करनी पड़ेगी और इनकी मुझे समस्या का राज पूछना पड़ेगा भाई। व्हाई आर यू वेटिंग? क्या तुम जो चाहते हो मेरी शॉप में नहीं है इसलिए तुम वेट कर रहे हो? पर सर मेरे पास सही में नहीं है, अब मैं और सामान नहीं मंगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रात ऑलरेडी हो चुकी है और रात में बिक्री होती नहीं है सर, तो आपको जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। आउट ऑफ स्टॉक चीज भाई थोड़ा लेट ही आती है डिमांड में मेरी शॉप। हाँ नहीं तो भाई यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्टिव मिला जहाँ पे मुझे परचेस करना है एक लाइसेंस यूजिंग अ कंप्यूटर। तो लाइसेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? मैनेजमेंट से जाके मिलेगा। प्रोडक्ट लाइसेंस मैं बाय कर सकता हूँ $2 का। ओके तो यहाँ पे मुझे अगर लाइसेंस बाय करना है तो मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्टोर लेवल 3 चाहिए होगी। यहाँ पे मेरी लेवल नहीं है तो मुझे ना थोड़े लेवल निकालने पड़ेंगे। लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसी के ही जो सामान बेचेगा। हाँ सामान बेचेगा भाई। क्या हो गया भाई, तुम लोग क्यों वेट कर रहे हो? अब सामान नहीं आएगा, देखो मेरे हो चुके हैं ऑर्डर कंप्लीट। तो एक काम करता हूँ भाई, ये लोग इतना प्यार से वेट कर रहे हैं ना, थोड़ा सामान मंगा ही लेता हूँ यार। कम ऑन गाइस यार, तुम लोग भी ना यार इमोशनल कर देते हो यार, कम ऑन भाई, इसे इमोशनल मत किया यार। मैं मंगा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑन डिमांड है, सर्विस ऑन डिमांड सर। मैम आप रुकिए, आप बहुत देर से वेट कर रही है, मैं देख रहा हूँ आपका सुबह से वेट कर रही हैं, आपका वेट नो मोर वेट हो जाएगा अभी, 2 मिनट दीजिए। देखो सामान ही सामान, ये बात इसका भी फटाफट सर हटिए, जरा थोड़ा जगह दीजिए, क्या गुस्से आ रहे हैं बीच में। हाँ जी अड़ी अड़ी अड़िए, सामान भरने दीजिए। देखो नया स्टॉक आया, माल एकदम चन चनाटन एकदम टन टनाटन, खुल्लम खुल्ला माल सब खोल दिया मैंने। फिलहाल सामान ही फेंको, बाद में सफाई कर लूंगा। जल्दीबाजी में मैं भाई, बहुत जल्दीबाजी में लोग भाई भड़बड़ के आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो level 3 होना है, level 3 होने के लिए मुझे बस थोड़ा सामान और बेचना पड़ेगा, देन हम level 3 हो जाएंगे एंड देन हमारा हम प्रोडक्ट लाइसेंस बाई कर सकते हैं। मुझे आई शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, फटाफट सर फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी। चलो जल्दी आगे बढ़ो, चलो जल्दी फास्ट मूव फास्ट, जल्दी चलो। अबे यार ये 50 और बड़ा पत्ता ले आता भाई, तू पता नहीं क्या बंदा। लेट्स गो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग विद कार्ड, इट मींस अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। आप सुसु खरीद रहे भाई, सुसु क्यों है ये? हाँ जी सर, लाइए कैश लाइए। जी थैंक यू। यस मैम आइए, पैसे लाइए। चलिए बड़ा पत्ता, लेट्स गो। कोई नहीं, बढ़िया। अब आपको क्या चाहिए भाई? ये सुबह से 2 आंटी लोग भाई खड़ी हुई हैं, जा ही नहीं रही भाई। मोहतरमा आर यू लाइक सीरियस, क्या चाहिए आपको जो मेरे पास नहीं है अभी तक? आपने मुझे बस 2 सेकंड दो, मैं फटाफट से भरता हूँ एंड आपका सब्र खत्म करता हूँ। ऐसे ना शॉप का क्लोज करने का टाइम आ चुका है और आई थिंक मुझे लग रहा है मैं इन लोगों की नीड फुलफिल नहीं कर पाया हूँ कि आज बहुत भीड़ थी शॉप के अंदर। फेंक देते हैं फिलहाल, देखो जजमत करना भी बहुत जल्दी में हूँ मैं। अब देखिए शॉप का टाइम हो चुका है, 9 बज चुके, आप जाइए, थैंक यू, कल आइएगा। ओके डे टू के स्टेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हमने पूरे के पूरे $80 स्पेंड किए हैं, टोटल प्रॉफिट $70। जीज ओके एंड वी आर रीच टू द 3rd level, स्टोर level 3 अनलॉक्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग परचेस कर सकते हैं एक नया लाइसेंस,
एंड ये डोर अभी भी लॉक है, और उससे पहले जो मैंने गंदगी करी है उसको साफ कर देते हैं। गंदी शॉप में कस्टमर आना आई डोंट नो प्रेफर करेंगे, और प्रेफर भी करेंगे तो वे दोबारा नहीं आएंगे। बे ये भी उठा के फेंक दूं, मैं बहुत सफाई रखता हूं। अबे $2 का नहीं है वो, $200 का ड्राइविंग क्यों कह रहा हूं मैं, $200 का प्रोडक्ट लाइसेंस है। इसे बोलते हैं जल्दी जल्दी हाथ चलाना, देख रहे हो जितनी जल्दी मेरा मुंह चलता है उतनी जल्दी मेरे हाथ भी चलते हैं। तो ये नहीं कहेगा कि मुंह ज्यादा चलाता है भाई, मैं हाथ भी से चलाता हूं। अभी दिन के पास 2 बज रहे हैं और बिक्री देख रहे हैं 141, आई थिंक वी कैन रीच 200, आई थिंक हम लोग परचेस कर सकते हैं एक प्रोडक्ट लाइसेंस। ओ कल वाली मोहतरम आ चुकी है जो पिछली बार कुछ सामान लेके नहीं गई थी, और इस बार तो भाई झोली में भरी जा रही है मैडम। क्या बात है जी, क्या बात है, आइए आइए आइए, बहुत खूबसूरत। हाँ जी लाइए, कैश भी चलेगा आज आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओह इतनी बिक्री करके थक गया भाई, पर आते हुए पैसे किसे पर रखते हैं। हाँ जी दे दो माइक पे टेस्ट। हाँ जी भाई आइए, जी जी थैंक यू वेरी मच। एकदम सबको बार बार ग्रीट करना पड़ता है, थैंक यू वेरी मच, दोबारा आइए। पर इट्स एडिकेट, वी कॉल इट शॉपिंग एडिकेट, शॉपिंग नहीं है सेलिंग एडिकेट्स। लेट्स गो, $13, थैंक यू सर, $13.50, ओके no discount, I already gave you too much discount on these products. तो मैं और तुम्हें कम नहीं करने वाला यहाँ पे कैश काउंटर में, तो मुझसे bargaining तो मत करना। Okay sir, thank you, आप एक ब्रेड के लिए इतना दूर तक चल के आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी दूर वापस चले जाइए, जाइए जाइए वापस। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया भाई, शॉपिंग नहीं हो रही इनसे। मुझे बस आज के दिन ना कुछ भी करके प्रोडक्ट लाइसेंस buy करना है ब्रो, come on. 192, we are almost close ना, बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग। थैंक यू, 203, let's go. Yes, ma'am. Thank you very much. Teen. Okay, not bad. तो यहाँ पे हमारा शॉप का टाइम अप होने ही वाला है, कुछ ही घंटे बचे हैं, 9 बजे हमारी शॉप क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं और अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है, फिर मुझे अपनी शॉप बंद ही करनी पड़ेगी। और उससे पहले एक और मोहतरमा आएंगे जो कि हमारी लास्ट बिक्री करा सकती हैं। 9 बजे शॉप बंद हो जाएगी और 8 बज चुके हैं, तो मुझे थोड़े और फास्ट हाथ चलाने पड़ेंगे। थैंक यू, seems little quick, let's go sir, please jaldi. Okay, cash nahi, wo bhi itna bada patta to bilkul nahi. No, can you make it quick? Thank you, jaldi aaiye ma'am, jaldi aaiye, time nahi bacha, aadha ghanta bacha hai sirf. Thank you. Chaliye. Okay, now we're done. 9 baj chuke hain, almost baj chuke hain na, aur humne total earn kiye hain 228.87. It's time to finish the day, but before that I have to just buy a product. New products are available. And let's go. Customers are waiting, but sorry sir, shop is closed for now. We shall see tomorrow. Thank you. Oye, dukhi mat ho yaar, koi baat nahi bhai, koi baat nahi yaar. Ye le yaar, koi baat nahi yaar. Tu dukhi hoga bhai. Tu dukhi kaise ho jayega bhai? Tujhe ko dukhi nahi dekh sakta main. Apne customer ko dukhi nahi dekh sakta bhai. Thank you. Abhi ye kab se padha tha, isse fika nahi maine. तो अच्छा भाई, कस्टमर के सामने नहीं पड़ा था, वरना वो शिकायत करते भाई तुम्हारी शॉप गंदी बड़ी रहती है भाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे मार्केट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बड़े हैं भाई। दूध भी बेचेंगे हम, लेट्स गो, हम लोग ना साथ-साथ बेचेंगे मिल्क एंड ब्रेड। एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो मुझे बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हमने आज बहुत सारी अर्निंग करी है, हमारा डे 3 का स्टैट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि टोटल प्रॉफिट हमारा माइनस में है, माइनस की $28 है। पर क्योंकि हमने ना एक प्रोडक्ट लाइसेंस बाय कर लिया था, इसलिए हम लॉस में चले गए, पर साथ साथ हमने नए प्रोडक्ट्स अनलॉक करे हैं, उससे हमारी प्रोग्रेस और जल्दी बढ़ेगी। एंड हमारे पास अभी फिलहाल के लिए $31 हैं एंड 87 सेंट्स हैं। भाई अगर तुम लोगों को मजा आया ऐसे एक्सपीरियंस को लेने में कैसे शॉप होती है और इतनी कितनी जल्दी हाथ चलाने होते हैं, तुम लोग वीडियो को फटाफट से लाइक मार दो, और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं। तुम लोग सही में बताओ, तुम लोग बताओ मुझे कि मैं क्या बनाऊं, मैं बनाऊंगा भाई, तुम लोग बोला कि मैं वो बनाऊंगा। तब तक के लिए तुम लोगों में एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।